वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय एंड द वीडियो, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, बाकी सारी वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा एक्टिव और अच्छी होने वाली है। आप लोगों को मेरा टॉपिक बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। हमेशा की तरह आज का टॉपिक है, मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ सिगरेट लिपस्टिक्स की और उसके शेड्स आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि उसके शेड्स कैसे हैं और अपने लिप्स पर उनको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि मुझ पर कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ ही हम पे अच्छी लगे, बिल्कुल भी ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, चाहे उसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो या बिल्कुल ही डल हो या नॉर्मल हो। और मेरा स्किन कलर जो है वो भी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। मेरा पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लग जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उनको टच ही नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही है मुझ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली हैं। लाइक काफ़ी कलर्स हैं जो मैंने पहनने बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझ पर अच्छे नहीं लगते। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप सूट कर रहे हैं आप पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा। आप अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है सबसे पहले, जब आप खुद सेटिस्फाई होंगे तभी आप दूसरों को कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अनबॉक्सिंग। मैं दिखाती हूँ आपको सीक्रेट लिपस्टिक बॉक्स। सो गाइज, ये रही वो लिपस्टिक सिगरेट लिपस्टिक्स। इसका नाम है, इसका नाम इसके ऊपर जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है मैं आपको वो बता दूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग फोर पॉपुलर कलर्स कलरफुल सिगरेट लिपस्टिक। बट मैं इसको जस्ट सिगरेट लिपस्टिक कह रही हूँ क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो बड़ी प्यारी है, बड़ी कूल है। सो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, इसके अंदर है हमारे पास फोर लिपस्टिक्स। ये रही फोर लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर है हमारे पास। अब इसके शेड्स हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से शेड हमें दिए हुए हैं और अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं अपने लिप्स पे। मैंने बिल्कुल लाइट सा टिंट लगाया था, मैं इसे भी रिमूव कर दूंगी, देन मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। फर्स्ट हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालें कि यहाँ से निकालें, चले हम यहीं से निकाल लेते हैं फर्स्ट। और मैं आपको इसका शेप दिखाती हूँ, इतना प्यारा शेप है इसका, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही है, लाइक सिगरेट लिपस्टिक। तो सिगरेट लिपस्टिक से हमें साफ साफ ही पता चल रहा है कि क्या मतलब है सिगरेट बनी होगी। तो सिगरेट बना हुआ है एंड अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ एंड बहुत अच्छी है ये। हम इतनी छोटी छोटी सी है, पर्स में रखने के लिए इतनी आसान है, बहुत आराम से हम पर्स में रख सकते हैं। फर्स्ट कलर जो है काफ़ी डार्क निकला है, सो पहले हम इसे अप्लाई करते हैं अपने लिप्स पर। मैं अपने लिप के जो टिंट है वो रिमूव कर लेती हूँ। सारा रिमूव कर दिया मैंने टिंट लगाया होता अपने लिप्स पे। अब सिंपल मैं लिप्स का जो कलर है वो आ गया, देन हम अप्लाई करेंगे ये वाला शेड और देखते हैं मेरे लिप्स पे ये शेड कैसा लगता है। अच्छा, ये दिखने में बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है बट लिप्स पे लगने के बाद ये इतना ज़्यादा डार्क मेहरून शेड नहीं मार रहा है, ये थोड़ा लाइट लाइट ही है, ठीक लग रहा है। अच्छा है ये शेड, प्यारा है। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट शेड। सारा गंदा होने वाला है। बाकी हैं ये थ्री शेड्स, ये थोड़ा मैंने अप्लाई भी किया था अपने लिप्स पे, ये कलर बहुत प्यारा है और ये शेड मैं बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ भी कर रही हूँ। सो ये है न्यूड शेड, बहुत प्यारा है। सो एक ये शेड है, तो हम अप्लाई करते हैं लिप्स पे, मिरर ले लेते हैं।
ये वैसे इतना प्यारा कलर है, मैं आपको बगैर लगाए बता रही हूँ, मुझ पर अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और अच्छा, आप मेरे ये इयर रिंग्स देख रहे हैं, ये मैंने खुद बनाए। शायद मैंने अपनी इयर रिंग वाली वीडियो में बताया था कि ये इयर रिंग्स जो है ये मैं फैशन डिज़ाइनिंग का जब कोर्स कर रही थी सो मैंने ये खुद बनाए थे, मेरे टीचर्स को भी बड़े पसंद आए थे। चले अब हम ये लिपस्टिक लगाते हैं। करके लिपस्टिक लगाने का मजा ही कुछ और। इस लिपस्टिक के साथ एक अलग ही कूल लुक आता है और मैं अक्सर इसे स्मोकी मेकअप जो करती हूँ या आईज का जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डार्क मेकअप कर लिया होता है तो उस पर मैं लिप्स पे ये वाला शेड लगाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। देन मैं इस शेड को रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं पहले आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट जो शेड है ना वो है शॉकिंग शॉकिंग टाइप पिंक, शॉकिंग पिंक जो कलर होता है ना वो कलर है ये। और मैं अपनी जो फुल लिपस्टिक कंप्लीट करती हूँ ना ये वाली, मैं आपको वो बताती हूँ। मैं फुल लिप्स पे ये वाला शेड लगाती हूँ, देन यहाँ पर इनर लिप्स जो होते हैं ना यहाँ हल्का सा ये पिंक टाइप का शेड देती हूँ, बस ऐसे ही अच्छा लगता है ये शेड। मैं ये लिपस्टिक का शेड जो है इस तरीके से कंप्लीट करती हूँ और बहुत प्यारा लगता है, अभी भी बहुत कूल लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेड जो है ये मेरे लिए बना है, मुझे बहुत पसंद आता है और फिर सूट भी करता है काफी। और अब ऐसा लगता है कि ये वाले डार्क ब्लशन एंड लिपस्टिक के बगैर फमीहा का लुक जो है वो बिल्कुल अधूरा है, मुझे ऐसा फील होने लगा है। सो अब हम ट्राई करते हैं लास्ट वन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मैं रिमूव करने लगी हूँ ये वाली लिपस्टिक जो कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कंप्लीट है। अच्छा लिपस्टिक अच्छी है, लिपस्टिक्स ना अपना लाइट सा शेड मुझे बड़ा पसंद है लिप्स पे रह जाए, उससे ना अच्छे लगते हैं लिप्स। घर में भी ना जब हम लिपस्टिक रिमूव करते हैं उसके बावजूद भी हमारे लिप्स जो है ऐसे थोड़ा थोड़ा शाइन करते हैं, पिंकी पिंकी रेड रेड अच्छे लगते हैं। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी और ये सबसे ज़्यादा अच्छी तो मेरे बैग के लिए है क्योंकि पर्स में मैं हो गई वो पर्स में इतने छोटे साइज की लिपस्टिक रख के ही बाकी सारा सामान भी हम रख सकते हैं। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स परफ्यूम्स और पता नहीं क्या क्या पर्स में रख के कहीं जाना होता है। सो अब हम लास्ट वन ट्राई करने वाले हैं और लास्ट है ये वाला कलर, सबका फेवरेट डार्क रेड कलर है ये, फुल अनार वाला रेड कलर है। अप्लाई करते हैं, दिखने में ये रेड लग रहा है बट लग जब रहा है ना तो ये ऑरेंज शेड दे रहा है, ऑरेंज कैमरे में भी फील हो रहा है, साफ साफ फील हो रहा है ऑरेंज शेड है ये रेड, और लग ऐसा रहा है बिल्कुल डार्क रेड बट ये रेड नहीं है ऑरेंज है। आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये कलर दिखने में रेड लग रहा है, मैं बड़ा खुश हो गई कि चले एक और रेड लिपस्टिक्स, क्योंकि रेड लिपस्टिक्स की तो लाइन लगी हुई है बट ये कलर जो है ये ऑरेंज ऑरेंज सा, और जो हमने न्यूड शेड यूज़ किया था उससे वन शेड आगे का कलर है ये और बहुत प्यारा सा लग रहा है। अच्छा शेड है और मुझ पर भी प्यारा लग रहा है। सो हमने आज सिगरेट लिपस्टिक के 4 शेड्स जो है अपने लिप्स पे लगाकर ट्राई किए हैं कि वो कैसे लग रहे हैं और वो कितना ही ज़्यादा
और इसकी प्राइस जो है बहुत 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 ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस हैं, लेकिन मैं प्राइस भूल चुकी हूँ कि पता नहीं क्या थे, वो मैं मम्मा से पूछूंगी। बट बहुत मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली है ही नहीं मेकअप। अगर हम मतलब काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जो पॉकेट मनी यूज़ करती हैं मेकअप लेने के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे और रिजनेबल प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि वो आराम कर सकें। ज़रूरी नहीं है बहुत हाई ब्रांड्स के लें, जिससे हमारी मनी एक पॉकेट मनी से तो बहुत ज्यादा जमा करनी पड़ेगी तब आएंगे, क्योंकि बहुत महंगी हो गया, महंगा हो गया मेकअप। लेकिन हमें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रीजनेबल प्राइस का मेकअप भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ब्रांडेड मेकअप से ज्यादा, कभी कभी ऐसा होता है जो ब्रांडेड मेकअप से अच्छा होता है रीजनेबल प्राइस वाला। सो मुझे ये लिपस्टिक जब मैं मिक्स लिप्स तब भी मेरे लिप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। लिप एक होती है लिपस्टिक या कुछ ऐसे होते हैं जो आती है और लिपस्टिक हट जाती है, बिल्कुल बकवास, ऐसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोकल नहीं लेना है आपने, रीजनेबल प्राइस का लेना है, ठीक है ना। सो ये बहुत प्यारी बहुत ज़बरदस्त लिपस्टिक्स हैं। सो ये रहे वो फोर शेड जो मैंने आपको अपने लिप्स पर लगाकर दिखाया, और बहुत प्यारा शेड दिया लिप्स ने, मुझे चारों ही अच्छे लगे। मुझे ऐसा हो रहा था कि शायद कोई एक आध शेड ऐसा भी आ जाता है कभी कभी जो फेस पर सूट नहीं करता है, बट मैं सोच रही हूँ इस छोटी सी बॉक्स में बड़ी ही कमाल की चीज़ निकली है। वरना मैंने ये जस्ट ऐसे ही ले लिया था और मुझे कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, मुझे पता था रिजनेबल प्राइस का है तो बस ऐवी सी चीज़ निकलनी है, लेकिन इसका स्टाइल मुझे बहुत प्यार लगा था इसलिए मैंने लिया था। बट मेरे पैसे बिल्कुल भी फजूल नहीं गए, मेरे पैसे जो हैं बहुत मतलब ऐसा लग रहा है मुझे काम की जगह मैंने लगा दिए, अच्छी चीज़ आ गई है मेरे पास और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। हो सो गाइस, आज मैंने ड्रेस वेयर किया है ब्लू जीन्स, शिमरी टॉप एंड ये कलरफुल वाला अपर है, ये एंड ये वाले इयररिंग्स हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ तो मैंने ये खुद ही बनाए थे और ये सारा कुछ भी मैंने खुद ही सेट करके पहना हुआ है। सो आप लोग को भी अगर हेल्प चाहिए हो डिज़ाइनिंग के हवाले से, या कुछ भी आप लोग को पूछना हो कि हम किस चीज़ पे क्या पहने या क्या चीज़ें, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बहुत अच्छा गाइड करूँगी, आप लोग की काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाने वाली है। अब वो शादी का हो या वेस्टर्न कलेक्शन हो या कहीं पर पार्टी वेयर हो या कुछ भी हो, आप लोग मेरी कलेक्शन देख सकते हैं, आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से वेयर करती हूँ। और काफ़ी लोगों को मेरी क्लोथिंग कलेक्शन जो है बहुत पसंद आती है, सो वो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग को फुल बताऊँगी कि आप लोग को क्या किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए और किस फंक्शन में क्या पहनना चाहिए। ओके अच्छा जी, सो ये लिपस्टिक्स के जो हैं शेड्स के नेम भी हैं, और यहाँ पर छोटा छोटा सा जो है कलर शेड भी बना हुआ है, ध्यान से देखें आप, तो 666 नंबर है और इसका शेड है न्यूट कलर है ये वाला, हम इसको ओपन करके देखते हैं, यही वाला कलर है। एंड इसका जो शेड है उसका भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है और नंबर है CH58, यानी कि ये हमें ज़रूरी नहीं है पूरा बॉक्स लें, अलग से भी मिल सकती हैं आई थिंक, शायद इसका यही है 888 है और ये वाला शेड है ऑरेंज ऑरेंज जो, एंड एक ये वाला है इसका लिखा हुआ है चिली, आई थिंक ये फुल रेड जो शेड था ये वो वाला है। होपफुली आप लोग को भी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।